नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो नया वीडियो लेकर के आई हूँ वो है राजस्थान की स्थिति और आकार। राजस्थान की स्थिति और आकार राजस्थान के भूगोल का सबसे पहला टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों, चाहे आप रीट ले लो और आगामी दिनों में जो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से भी ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगा, एक बेसिक का काम करेगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अपना टॉपिक है विद्यार्थियों राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति आकार को समझने के पहले हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी जो पृथ्वी है वो इसमें जो हमारी जो पृथ्वी थी वो एक भूखंड था, आग का गोला था। धीरे धीरे वो ठंडी हुई, इसमें कुछ भाग स्थल था और कुछ भाग जलीय था। तो जो स्थलीय भाग था उस स्थलीय भाग को कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया नाम दिया गया। और जो आपका जलीय भाग था उसको नाम दिया विद्यार्थियों पैंथा लासा। पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे 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 वो ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जो भूगोल वेता थे उन्होंने इसके स्थल भाग को पेंजिया का नाम दिया और जो जलीय भाग था उसको पैंथा लासा का नाम दिया। धीरे 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 पेंजिया का जो भाग था विद्यार्थियों वो दो भागों में बट गया। एक भाग का नाम ऊपर वाले का नाम था जो उत्तरी भाग के रूप में टूटा, उसका नाम था विद्यार्थियों अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था उसका नाम था गोरवाना लैंड। और बीच में जो अवसाद वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो चित्र है, उसका नाम था विद्यार्थियों तेतीस सागर। तो पेंजिया वाला जो स्थल भाग था वो आगे जाकर के दो भागों में बट गया। एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे का नाम था गोडवाना लैंड। गोडवाना लैंड दक्षिणी हिस्सा था और अंगारा लैंड वाला जो हिस्सा था विद्यार्थियों वो था उत्तरी हिस्सा। इस अंगारा लैंड से ऊपर के जो महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये गोडवाना लैंड से बन गए। किससे बन गए? ये आपका दक्षिण उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। और जो एशिया वाला पार्ट था वो बना विद्यार्थियों किससे? अंगारा लैंड से। और नीचे वाला जो आपका है दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा आपका जो नीचे वाला हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये बने थे गोडवाना लैंड की। अब बात करते हैं हम भारत की, तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोडवाना लैंड का भाग है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है। और भारत में ही राजस्थान है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान का जो आपका मरुस्थलीय भाग है, कौन सा भाग? मरुस्थलीय भाग है एक तो, और एक मैदानी भाग है। मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग ये दोनों ही हिस्से हैं आपके तेतीस सागर से। किसके हिस्से हैं? तेतीस सागर से। क्योंकि तेतीस सागर में धीरे 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 अवसाद जमा होता रहा जिसके कारण राजस्थान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा मरुस्थल में बदलता रहा। और जो आपका मैदानी क्षेत्र है वो भी तेतीस सागर का हिस्सा माना जाता है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय हिस्सा और राजस्थान का मैदानी हिस्सा तेतीस सागर का हिस्सा माना जाता है विद्यार्थियों। इसके अलावा आपका राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है और आपका दक्षिण का जो हाड़ोती प्रदेश है ये माना जाता है विद्यार्थियों कौन सा?
ये हिस्सा है आपका गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी जो कि दो भागों में बटी हुई थी, जो आपका स्थल भाग था वो पैंजिया और जो आपका जलीय भाग था उसको पैंथालासा नाम दिया। आगे जाकर के पैंजिया दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत का जो हिस्सा है इसमें कुछ हिस्सा अंगारा लैंड का है और कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड का है। और इसी की तर्ज पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मरुस्थलीय और मैदानी प्रदेश गोटेथी सागर का हिस्सा है और आपका अरावली और दक्षिण का जो हाड़ोसी प्रदेश है वो माना जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति अगर हमें राजस्थान की समझनी है। कौन सी? अक्षांश व देशांतरी स्थिति अगर हमें समझनी है तो सबसे पहले हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा। तो ये है विद्यार्थियों ग्लोब, और ध्यान रखना ये जो रेखा है वो कहलाती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा दो भागों में बांट देती है, एक आपका है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भारत की जो स्थिति है विद्यार्थियों वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में जो है वो भारत की स्थिति है, ये भारत की। और यहाँ पर जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो हमें दो भागों में बांट देती है, पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा है विद्यार्थियों पूर्वी गोलार्ध। उधर वाला हिस्सा है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह राजस्थान भी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है वो रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है विद्यार्थियों, ये उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींची हुई है इसको नाम दिया जाता है क्या? देशांतर रेखाएं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी देश या किसी भी राज्य की स्थिति, वहाँ की जलवायु का आकलन कर पाते हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। स्थिति का, स्थान का और जलवायु का पता करने के लिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान की स्थिति को अगर हमें समझना है तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची हुई है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची हुई है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। कौन सी बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ध्यान रखना ये जो 66.5 डिग्री पर है इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और नीचे वाली जो 66.5 डिग्री पर है इसको बोलते हैं दक्षिणी आर्कटिक रेखा। और जो 90 डिग्री पर रेखा खींची हुई है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। इनके आधार पर हम किसी भी देश या राज्य की स्थिति, स्थान और जलवायु का आकलन कर पाते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनके आधार पर ही हम समझ पाते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है।
अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम इस बारे में पता कर पाते हैं। अब आते हैं हम राजस्थान की तरफ। तो देखो विद्यार्थियों, राजस्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। और याद करने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो यही है कि ये जो आपकी सीमा लगी हुई है राजस्थान की, इस राजस्थान की जो ये सीमा है इस पर स्थित जिलों के नाम आप ऊपर से लेकर नीचे तक सीक्वेंस याद करते जाइए और आपको राजस्थान का मैप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक बार अपन सब एक बार राजस्थान के मैप को देख लेते हैं, फिर राजस्थान की स्थिति को हम समझेंगे। देखो विद्यार्थी, राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान को 5 राज्यों की सीमा छूती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा जो है वो राजस्थान को छूती है। वो कौन कौन से हैं वो देखिए विद्यार्थियों। इधर आपका जो है इस तरफ जो उत्तर पश्चिम है उस तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान को छूती है। उस अंतर्राष्ट्रीय देश का नाम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों की सीमाएं जो है भारत की सीमाएं किसको छूती है? पाकिस्तान को छूती है। तो राजस्थान भी उनमें एक राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान को छूती है विद्यार्थियों। और 5 राज्यों की सीमा जो है राजस्थान की सीमा को छूती है वो कौन कौन से राज्य हैं वो देखिए। याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला राजस्थान का मैप अगर जब तक आपको याद नहीं है आप राजस्थान ज्योग्राफी आगे नहीं पढ़ सकते। और राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान के भूगोल को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला काम यही करना है कि राजस्थान के मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान के मैप में कौन सी जगह पर क्या है इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझ रहे हैं विद्यार्थियों। तो हमें सबसे पहले यही करना है कि उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान आएगा, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तर पश्चिम, ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में आ जाएगा आपका पाकिस्तान। उसके बाद आप देखिए सबसे ऊपर जो है राजस्थान की सीमा को उत्तर पूर्व की तरफ छूता है पहला राज्य पंजाब। पंजाब से जस्ट नीचे ध्यान रखना विद्यार्थियों हरियाणा, क्या आएगा? हरियाणा। तीसरा आएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी के जस्ट नीचे जो है आपको याद करना है एमपी, मध्य प्रदेश। और पाकिस्तान के नीचे की तरफ वाला जो दक्षिण पश्चिम वाला जो इलाका है वहां पे याद रखना है आपको गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान को छूती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है। अब याद कैसे करें जिलों को? तो ध्यान रखना पंजाब से 2 जिले टच करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर है गंगानगर और ये आ गया आपका हनुमानगढ़। अब ध्यान रखना गंगानगर जो जिला है वो पंजाब को भी छू रहा है और पाकिस्तान को भी छूता है। तो गंगानगर और गंगानगर के नीचे सीमा की तरफ याद रखना है गंगानगर के जस्ट नीचे क्या आएगा? बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर आएगा। गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया और बीकानेर से जस्ट नीचे याद रखना है विद्यार्थियों जैसलमेर और जैसलमेर से जस्ट नीचे याद रखना है बाड़मेर। ये 4 जिले जो है वो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। किसकी सीमा को छूते हैं? पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान के 4 जिले आएंगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात की सीमा को भी छूती है। ये 4 जिले याद करने का तरीका ये है,
दो जिले याद रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ गया आपका कहाँ पर, पंजाब में आ गया। अब आ गया आपका इधर जो है आपका यूपी से ध्यान रखना, यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा भरतपुर और भरतपुर से जस्ट नीचे आ जाएगा धौलपुर। ये भरतपुर आ गया और ये आ गया आपका धौलपुर। तो यूपी की सीमा से आपको याद करना है भरतपुर और धौलपुर। और सबसे मिड में ध्यान रखना है आपका नागौर। नागौर के जस्ट नीचे एक तरफ आ जाएगा आपका पाली और इधर आ जाएगा आपका अजमेर। क्या आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। अब इसमें इधर ध्यान रखना है नागौर और जैसलमेर के बीच में ध्यान रखना है आपको जोधपुर। क्या ध्यान रखना है? जोधपुर ध्यान रखना है। और नागौर ये आपका क्या गया? जोधपुर। और इधर ध्यान रखना है आपको जयपुर। क्या ध्यान रखना है? जयपुर ध्यान रखना है। तो सबसे बीच में राजस्थान के मैप में आएगा आपका नागौर। नागौर के जो आपके उत्तर पूर्व की तरफ जयपुर आएगा, नागौर के नीचे की तरफ पाली और अजमेर। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान से चार जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पंजाब से याद रखना है गंगानगर और हनुमानगढ़। यूपी से ध्यान रखना है भरतपुर और धौलपुर। ये है विद्यार्थियों आपका हाड़ौती चित्र। कौन सा चित्र है? हाड़ौती चित्र है। इसमें ये जो अलग से हिस्सा बना हुआ है वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ वाला जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, चित्तौड़गढ़ आ गया। ये आ गया आपका भीलवाड़ा। क्या आ गया? भीलवाड़ा आ गया। यहाँ पे आ गया आपका बारा। ये है आपका झालावाड़। बारा आ गया, झालावाड़ आ गया। ये आ गया आपका कोटा। कोटा से ऊपर आ गया बूंदी। और ये ध्यान रखना, ये जो सीमाई जो क्षेत्र है ये आपके आ गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और ये वाला हिस्सा आ गया आपका करूर। ये आपका आ गया कौन सा? राजस्थान का। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ गया जालौर। ये पाली हो ही गया। उसके बाद यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर से नीचे ध्यान रखना है डूंगरपुर। और सबसे नीचे जो आएगा राजस्थान के मैप में वो आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के इस तरफ आएगा आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये गंगानगर, ये आ गया आपका हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, सीकर, ये आपके आ गया जयपुर, ये हो गया आपका दूसरा। तो आपने राजस्थान के मैप को अगर हमें याद करना है तो ध्यान रखना सीमा की तरफ वाले जिलों को याद करना है। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाकिस्तान, पंजाब, और पंजाब में गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा। हरियाणा से आठ जिले आ जाएंगे, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, अब आप इधर देखिए, इधर आपका जो एमपी वाला जो इलाका है यहाँ से देखिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। ये जो इलाके हैं ये एमपी की सीमा को टच कर रहे हैं। इधर बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये गुजरात की सीमा को टच कर रहे हैं। और जो बीच वाले जो जिले हैं उसमें याद करने का तरीका है नागौर। नागौर और जैसलमेर के बीच में याद रखना है जोधपुर। नागौर के नीचे एक तरफ पाली और एक तरफ अजमेर है। इस तरीके से आपको राजस्थान के जिलों को याद करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राजस्थान के इन्हीं जिलों की अक्षांशीय स्थिति और आकार और विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मैंने जो आपको पेंजिया, पेंथालासा, गोडवाना लैंड, राजस्थान की विश्व में स्थिति को जो बताया है, उसके बाद आगे के वीडियोस में हम इन्हीं जिलों के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को आपको आगे कराऊं तो आप मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के वीडियोस में इसी तरह आपके लिए बनाती रहूं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।